नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम सचिन, आप देख रहे हो सच कार टेक्नोलॉजी। आज के इस नए वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला एक सुजुकी ब्रीजा के ऊपर, जो कि है डीजल इंजन 1.3 लीटर। इस कार में बेसिकली प्रॉब्लम है दोस्तों, इस कार का इंजन ऑयल, ये कार काफ़ी इंजन ऑयल कंज्यूम कर रही है और वाइट स्मोक का भी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो रहा है। तो इस वजह से इस कार का हम लोग अभी करने वाले हैं इंजन फुल इंजन ओवरऑलिंग। तो फुल इंजन ओवरऑलिंग करते समय क्या क्या पार्ट्स हम लोग रिप्लेस करेंगे और किस स्टेप से इसको काम करेंगे, इसका इंजन और ओवरऑलिंग करें, ये पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। दोस्तों वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सही कार है ब्रीजा, ब्रीजा इंजन कार 1.3 लीटर। इस कार में अभी देख सकते हैं गैस की प्रॉब्लम है, इस कार में जानता है कि ऑयल कंज्यूम करने का प्रॉब्लम है। एक आपको दिखाते हैं इसमें कितना गैस प्रोड्यूस हो रहा है अंदर इंजन के अंदर, इंजन पंप के अंदर। तो देख सकते हैं यहाँ से गैस कितना बाहर दिखा रहा है, जिससे कार अभी स्टार्ट है, आपको लाइव दिखा रहे हैं अंदर। देख सकते हैं हल्का हल्का आ रहा है, शायद आपको एक कैमरे से नहीं दिखता होगा पर मुझे साफ साफ दिखा रहा है। यहाँ से भी गैस काफ़ी मात्रा में आ रही है बाहर। देख सकते हैं मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से तो आपको क्लियर दिखता होगा। तो देख सकते हैं कितनी गैस इतने थोड़ी हो रही है अंदर, इसलिए इसमें इंजन में प्रॉब्लम है। इसके इंजन और इंजन की जो पिस्टन रिंग कट होने की वजह से, उसकी घिसा होने की वजह से इसमें जो है गैस थोड़ी हो रही है, इसका इंजन ऑयल कंज्यूम कर रही है कार। ओके, और इसकी काफ़ी लीकेज है। देखो टर्बो के रास्ते से इसका इंजन ऑयल काफ़ी बाहर आ रहा है, ये है टर्बो के कुछ फोटेज। ओके, ये कार है ब्रीजा डीजल VDIS। तो इस कार को और जो हम लोग करने वाले हैं इंजन, इसका ओवरऑल पूरा इंजन इसका किस्मत करके उतरते हैं, इसका इंजन दिखाते हैं आपको, वो करा देते हैं आपको। देख सकते कार डीजल, ये डीजल इंजन ब्रीजा डीजल VDIS 1.3 लीटर इंजन। तो इस कार का हम लोग इंजन अभी बाहर निकल चुके हैं। देख सकते हैं इसका इंजन पूरा हम लोग खोल चुके हैं, इसका इंजन ब्लॉक, इसका पिस्टन। ये कार काफ़ी इंजन ऑयल कंज्यूम कर रही थी और टर्बो के थ्रू इसका इंजन ऑयल बाहर आ रहा था, इसमें एक प्रकार की गैस बन रही थी, उसके लिए इसका इंजन हम लोग रिमूव कर चुके हैं। अभी इसका इंजन देख सकते हैं, इसके स्लीव वगैरह काफ़ी कट चुके हैं। देखो हाथ से मैं इसको होते हैं, देखो यहाँ पर स्लीव काफ़ी कट चुके हैं। देखो इसकी बोर्ड, सिलेंडर बोर्ड, ओके सेकेंड वाली, फर्स्ट वाली काफ़ी कट चुका है, उसकी वजह से इसमें गैस की प्रॉब्लम हो रही थी, गैस जनरेट हो रहा था और इंजन ऑयल कंज्यूम कर रही थी काफ़ी कार, इसके लिए हम लोग इसका इंजन रिमूव कर चुके हैं। इसको करेंगे ओवरऑल। ये सिलेंडर ब्लॉक, इसका सिलेंडर ब्लॉक भी खोल चुके हैं हम लोग, देख सकते हैं इसकी फिटमेंट सब खोल चुके हैं। एक क्रैंक शाफ्ट जरा, इसका क्रैंकशाफ्ट में काफ़ी लाइन आ चुकी है, देख सकते हैं यहाँ से। इसका सिलेंडर ब्लॉक, इसके पिस्टन, इसका ट्रांसमिशन, देख सकते हैं बाकी की फिटमेंट हम लोग पूरी कार की खोल चुके हैं यहाँ से। देख सकते हैं इसका जो भी पार्ट है, इसका ट्रांसमिशन माउंटिंग वगैरह, जितने भी फिटमेंट है सब खोल चुके हैं हम लोग यहाँ से।
तो कार को करते हैं अभी ब्लॉक को अच्छे से क्लीन और इसको लिख वर्कशॉप पर लेके जाते हैं। सुजुकी ब्रीज़ा कार देख सकते हैं आप, इंडिया मॉडल सुजुकी ब्रीज़ा। ये कार है 8 साल पुरानी। ये कार कंपनी चेंज करने के लिए लेके जाते हैं। ओके, इसके वॉल वगैरह है तो वॉल को भी डाल देंगे हम लोग। कंडीशन दिखा देते हैं आपको, देख सकते हैं वॉल की कंडीशन क्या है। देखो पूरा वॉल बैठ चुके हैं यहाँ पे। ओके, वॉल की सीट्स वगैरह बैठ चुके हैं। पिस्टन पड़ चुके हैं, कार है सुजुकी ब्रीज़ा, मारुति सुजुकी ब्रीज़ा डीजल VDI। तो इस कार का हम लोग खोल चुके हैं इंजन, देख सकते हैं इसको अभी क्लीन कर रहे हैं डीजल से, अच्छे से क्लीन करके इसको वाटर से क्लीन करके हम लोग इसको लेथ वर्कशॉप पे लेके जाएंगे रिपावरिंग करने के लिए। देख सकते इसके पार्ट, ये ऑयल पम्प, टाइमिंग चेंज कर रहा ऑयल पम्प असेंबली, ये इसकी रॉकर आर्म, ये इसका हेड, ये इधर पड़ा है इसका सम ऑयल सम, ये इसका सिलेंडर हेड ब्लॉक, ये एक क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन कनेक्टिंग रॉड अटैच। इसको करते हैं क्लीन अच्छे से डीजल से और वॉश करते हैं। ये इसकी टैंक इस ओके, यहाँ से फाइनली दोस्तों हम लोग ने इसका हेड खोल चुके हैं। देख सकते हैं इसका इंजन पार्ट, ये इसका सिलेंडर हेड, हेड में देख सकते हैं वॉल की क्या कंडीशन है। ओके, देख सकते हैं वॉल हम लोग अच्छे से पानी से क्लीन कर चुके हैं, इसको डीजल मार के पानी से अच्छे से क्लीन कर लिया है। ये देख सकते हैं इसका क्रैंक, ये देखो कितना लाइन आ चुका है, देख सकते हैं। देखो बेरिंग की जगह पे पूरी लाइन आ चुकी है। तो इसको भी हम लोग पॉलिश करेंगे, पॉलिश कट मारेंगे लेके जाके। ओके, ये इसका क्रैंक सिलेंडर क्रैंक और ये इसकी सिलेंडर बोर, देख सकते हैं काफ़ी कट चुका है इसका। ये देखो इस वजह से इसका ऑयल कंज्यूम का प्रॉब्लम हो रहा था। ये सिलेंडर ब्लॉक, ये चारों ब्लॉक में देखो हाथ में महसूस हो रहा है। ओके, सिलेंडर बोर में उसके लिए इसका प्रॉब्लम था ऑयल कंज्यूम होने का। तो इसको लेके जाते हैं अभी लेथ पे, लेथ वर्कशॉप पे, और इसको रिपेयरिंग करते हैं। इसका स्लीव वगैरह डालते हैं, क्रैंक को पॉलिश करते हैं, तो नया बेरिंग, नया वॉल्व, ओके पिस्टन भी नया डालेंगे हम लोग। अभी इसको भेज देते हैं लेथ वर्कशॉप से। इस इंजन को हम लोग लेथ वर्कशॉप से लेके आए, देख सकते हैं इसके स्लीव वगैरह हम लोग न्यू मार चुके हैं, देख सकते हैं स्लीव की फिनिशिंग, स्लीव को अच्छे से हम लोग न्यू मार के लेके आए। ओके, ये इसके पिस्टन कनेक्टिंग बेरिंग न्यू, इसका पिस्टन भी न्यू ला चुके हैं हम लोग। ये इसकी क्रैंक को पॉलिश किया है हम लोग ने। इसके कुछ पार्ट देख सकते हैं, इसकी क्लीन कर चुके हैं हम लोग इसको। ये इसके नए पिस्टन, इसके न्यू पिस्टन, इसके न्यू पिस्टन, न्यू पिस्टन इसमें डालेंगे हम लोग। ओके, इसके न्यू पिस्टन रिंग के साथ आते हैं, डालेंगे इसको अभी, इसकी फिटिंग करेंगे कनेक्टिंग रॉड में। ओके, देख सकते हैं इसका स्लीव डाल चुके हैं हम लोग इसमें। तो करते हैं फिटिंग, एक क्रैंक है, क्रैंक को पॉलिश करके लेके अच्छे आ चुके हैं हम लोग। इसकी कैम असेंबली करते हैं, फिटिंग में इसको अच्छे से क्लीन किया है अभी। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोग ने इसका मेन बेरिंग लगा चुके हैं, इसका ऑयल सेपरेटर भी लगा चुके हैं, देख सकते हैं ऑयल सेपरेटर 1, 2, 3 और 1, 4, और ये इसके मेन बेरिंग।
देख सकते हैं क्रैंक केस पे की मेन बेरिंग, ओके, ये अपर साइड, ये है लोअर साइड, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ओके। इसकी फर्स्ट वॉइशर, देख सकते हैं सभी मेन बेरिंग को लगा चुके हैं। ये फर्स्ट मेन बेरिंग, ये सेकंड मेन बेरिंग, ये थर्ड मेन बेरिंग, ये फोर्थ मेन बेरिंग और फिफ्थ, ये इसके फर्स्ट वॉशर दोनों साइड लगा चुके हैं हम लोग। ये क्रैंक को अच्छे से क्लीन करके पहला करते हैं लुब्रिकेशन इसको अच्छे से। रखते हैं क्रैंक के क्रैंक को अच्छे से क्लीन करके, ठीक है ना सर। इसको अभी लगाते हैं क्रैंक केस को अच्छे से करके फिटिंग, देख सकते हैं कर रहे हैं। लगाते हैं क्रैंक केस, देख सकते हैं इतना इतना फ्री होना चाहिए क्रैंक केस इसका, देखो देखो कितना फ्री है इसका, ओके। देखो एक बार घुमाने के बाद दो राउंड लेना चाहिए, देखो इतनी क्रैंक केस इसकी फ्री होनी चाहिए। ओके, करते आगे की फिटिंग इसकी, पिस्टन लगाते हैं। हम लोग इससे पिस्टन इंस्टॉल कर चुके हैं, देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला पिस्टन, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, देख सकते हैं पिस्टन की मूवमेंट। इसको हाथ से घुमा के हम लोग चेक कर रही है कहीं फ्री वगैरह नहीं है क्या, फ्री वगैरह है क्या इसके, देख सकते हैं कंप्रेसर काफ़ी अच्छा कंप्रेसर आ चुका है, देख सकते हैं इसकी एरो, देख सकते हैं इसकी एरो फ्रंट के साइड में, ओके, ये टाइमिंग साइड में रहता है इसका एरो, ओके। देख सकते हैं यहाँ से इसकी बैक ऊपर भी देख सकते हैं आप, ओके, क्रैंकशाफ्ट, इसकी क्रैंकशाफ्ट, ओके। अभी लगाते हैं इसका सिलेंडर हेड ऊपर से, ये स्विफ्ट, ये ब्रीजा डीजल 1.3 डीजल इंजन, ओके, घुमाओ अच्छे से उसको, फ्री करो जरा मूवमेंट को, ओके। देख सकते सिलेंडर 1, 4, 2, 3 ऊपर आ रहे, सिलेंडर पिस्टन क्रैंक शाफ्ट हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं, अभी फिटिंग कर चुके हैं, ओके। हम लोग सिलेंडर पिस्टन न्यू डाल चुके हैं, उसकी पिस्टन रिंग, कनेक्टिंग बेरिंग, मेन बेरिंग, थर्स्ट वॉशर, तो पूरे पार्ट हम लोग न्यू डाल चुके हैं अभी। अभी लगाते हैं इसका सिलेंडर हेड, इसका सिलेंडर हेड, ये है इसका सिलेंडर हेड, देख सकते इसके वाल वगैरह न्यू डाल चुके हैं हम लोग, इसको एमरी फेस करके लिए हम लोग ने अच्छे से, देख सकते हैं। इस हेड को अभी इंस्टॉल करेंगे ब्लॉक में, अभी करते हैं फिटिंग इसका सिलेंडर हेड, ये इसका सिलेंडर हेड, ओके, देख सकते हैं यहाँ से पट्टी को अच्छे से क्लीन करते हैं यहाँ पे सिलेंडर हेड इसका, एक मिनट जरा उठाओ जरा इधर फिर को उठा और एक फीड ऑगर, एक फीड ऑगर, ठीक है इसका, ओके हेड को,
परफेक्टली बैठ चुका है, देख सकते हैं मुझे करेंगे यहाँ पे। दो चार छः आठ दस टोटली आठ बोल्ट आते हैं इसके सिलेंडर हेड के। ओके एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में हम लोग इसको बोल्ट को टाइट करते हैं, देख सकते हो पैरेलल। का हेड टाइट करने का सीक्वेंस है, एक फर्स्ट सेकंड लगाते हैं टॉर्क, देख सकते टॉर्क से टाइट करते हैं, एक दो तीन चार, सीरीज से टाइट करते हैं हम लोग यहाँ से पावर पेंच की हेल्प से। ओके हेड को अच्छे से टॉर्क लगा के टाइट कर चुके हैं हम लोग, अभी करते हैं आगे की फिटिंग। इसके लगाते हैं हाइड्रोलिक ब्लोड वगैरह और कैमशाफ्ट असेंबली लगाते हैं, दिखाते हैं आपको। इसका हाइड्रोलिक एचएलए वगैरह लगा चुके हैं हम लोग, देख सकते हैं इसके पैकिंग पैकिंग को भी लगा चुके हैं। अभी इसको लगाते हैं सिलेंडर कैमशाफ्ट असेंबली लगाते हैं यहाँ से, देख सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, ये 16 हाइड्रोलिक लिफ्टर है। ओके क्योंकि वॉल को खोलने और बंद करने का काम करते हैं, इसके रोलर है, ये इसकी हाइड्रोलिक ब्लोड है। इसको ऑयल में अच्छे से डिप करके हम लोग ये लगा चुके हैं, अभी देख सकते लगा रहे। ओके अभी इसका कैमशाफ्ट लगाते हैं अच्छे से साफ करके, देख सकते करते फिटिंग यहाँ पे, टाइम घुमाया इधर आया। सभी बोल्ट को एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस पच्चीस बोल्ट है इसमें, बोल्ट लगा दें बराबर करते टाइट। सभी बोल्ट करते अच्छे से साफ करके लगाते हैं इस बोल्ट। टाइट को 10 mm के स्पैनर से जो कि टीपाना
दोस्तों हम लोग ने इसका टाइमिंग वगैरह लगा चुके हैं, तो आपको शो करा देते हैं इसका टाइमिंग। यहाँ से ये देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसका कैम लॉक टूट चुके हैं। ओके, यहाँ से भी हम लोग इसका कैम लॉक कर चुके हैं, और नीचे से इसको एलंकी की हेल्प से हम लोग इसका फ्लाईव्हील लॉक कर चुके हैं। देख सकते हैं एलंकी की हेल्प से। ओके, तो शो करा देते हैं आपको टाइमिंग अभी। इसका स्पेशल टूल्स टाइमिंग लॉक करने का, शो करा देते हैं इसका टाइमिंग। ये राइट साइड का फ्रंट वाला शो करा देते हैं आपको। देख सकते हैं स्लॉट कैमशाफ्ट का। ओके, ये इसकी कैम की टाइमिंग, ये ऐसा इसमें जाके लॉक हो जाता है। इसका आगे वाला हिस्सा है, देखो ये स्लॉट, ये जाके ये स्लॉट में लॉक हो जाता है इस तरह। ओके, इस तरह लॉक हो जाता है। देख सकते ये इसका स्लॉट कैमशाफ्ट का, इसमें ये इजीली लॉक हो जाता है ऐसा। ओके, तो अभी इसको एक राउंड, इसको एक राउंड टाइमिंग को। देखते हैं टाइमिंग आ रहा है कि नहीं। ओके ओके, आहिस्ता आहिस्ता, जरा उल्टा उल्टा घुमाओ, जरा थोड़ा उल्टा घुमाओ, घुमाओ उल्टा 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 और उल्टा और उल्टा, और अभी सीधा करो, आहिस्ता आहिस्ता सीधा करो, आहिस्ता 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 आहिस्ता। ओके, तो देख सकते हैं हमारा और तो इसकी टाइमिंग, इसके नीचे कुछ लगा नहीं चाहिए। ओके, एक एक साइज देख सकते हैं, उसका टाइमिंग परफेक्टली आ चुका है। तो अभी इसका स्पेशल टूल के हेल्प से देखते हैं हम लोग, तो देख सकते हैं इसका स्पेशल टूल्स, ये लगा के देखते हैं टाइमिंग परफेक्ट है कि नहीं। ओके, तो इसका टाइमिंग परफेक्ट हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड वाला भी हम लोग लगाते हैं स्पेशल टूल्स राइट साइड में भी, परफेक्ट टाइमिंग है। देख सकते हैं तो स्लॉट डालते हैं इसमें हम लोग स्पेशल टूल्स। ओके, ये था इसका टाइमिंग परफेक्ट। देख सकते हैं इसका टाइमिंग, ब्रीजा डीजल 1.3 पेट डीजल इंजन। ओके फ्रेंड्स, बाकी की इसकी जितने भी फिटिंग है, इसका इनलेट एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इसका टर्बो चार्जर, इसका फ्यूल इंजेक्टर, इसको करते हैं कंप्लीट। ओके, पूरा कंप्लीट करके इसको इंजन रूम में फिटिंग करते हैं कार में, उसके बाद दिखाते हैं आपको उसकी स्टार्टिंग फिटिंग कैसी है। कार हो चुकी है पूरी फिटिंग, ये देख सकते हो कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है, इंजन हम लोग ने परफेक्ट फिटिंग कर चुके हैं इसका पूरा। ओके, तो अभी कार को करते हैं स्टार्ट, इसका हम लोग इंजेक्टर का एयर ब्लीडिंग वगैरह कर चुके हैं, अभी कार को करते हैं स्टार्ट, कर दो स्टार्ट कार को। कार एक लेफ्ट में स्टार्ट हो चुकी है, कार का आवाज़ भी सुन सकते हो आप कितना मधुर है। ओके, कार का हम लोग किया था इंजन सर्विसिंग फुल ओवरऑल। एक कार है
सुजुकी ब्रीजा डीजल ओल्ड वर्जन। ओके, तो प्रत्येक कार इस कार का किया था हम लोग ने इंजन और इंजन ओवरऑल फुल स्टार्ट है। आप आवाज़ सुन सकते हैं कितना मधुर आ रहा है। ओके, तो इसको हम लोग लगभग 7 से 8 घंटे तक फ्री होने के लिए चालू रखते हैं। उसके बाद में इसको फैन बीन चला के इसका चेक करेंगे। उसके बाद में इसका एक छोटा सा ट्राई ड्राइव लेके आपको दिखाएंगे कार का परफॉर्मेंस क्या है। तो ये थी सुजुकी ब्रीजा डीजल। इस कार का हम लोग ने किया था इंजन फुल ओवरऑल। ओके, फ्रेंड्स अभी हम लोग इस कार को लेके हाईवे पे आ चुके हैं टेस्ट ड्राइव के लिए। देख सकते हैं हम लोग ले रहे हैं इसको टेस्ट ड्राइव। ये है मुंबई गोवा हाईवे। तो इस कार का हम लोग ने किया था इंजन ऑयल ओवरऑल फुल इंजन। तो इस कार का किलोमीटर शो करा देते हैं। देख सकते हैं 221,234 किलोमीटर कार रन हो चुकी है। इसमें इंजन ऑयल कंज्यूम कर रही थी काफ़ी इंजन ऑयल। इसके वजह और इसका वाइट स्मोक भी मार रहे थे, इसकी वजह से इसका हम लोग इंजन ओवरऑल कर चुके हैं। अभी कार हम लोग हाईवे पे टेस्टिंग पे लेके आ चुके हैं। देख सकते हैं टेस्ट ड्राइव चल रहा है इसका इस कार का। इस कार को हम लोग लगभग 40 से 50 किलोमीटर रनिंग करके देखेंगे इसमें क्या परफॉर्मेंस है। कार का परफॉर्मेंस तो काफ़ी बढ़िया है अभी से। देख सकते हैं हम लोग एसी पे है, एसी ऑन करके कार को ड्राइव कर रही है। ओके, ठंडी ठंडी हवा है कार की एसी की। देख सकते हैं कार हम लोग हाईवे पे रन कर रहे हैं। ओके, इस कार का हम लोग ने किया था फुल इंजन ओवरऑल। इस कार में प्रॉब्लम था बेसिकली इंजन ऑयल कंज्यूम करने की। ओके, वाइट स्मोक की। तो इसका लेते हैं एक 40 से 50 किलोमीटर तक इसका हम लोग एक टेस्टिंग टेस्ट ड्राइव लेते हैं। ओके दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।